अस्सलाम वालेकुम सजना बेलियों, के हाल नो। मैं थोड़ा अपना अरशद महमूद आल मारूफ चाचा सरगोदियाला। अच्छा, आज मैं थानू तुसी फार्मी चूचे ते सुने होने नू, आज थानू फार्मी वच्छे विखाने। आज एक फार्म ते आ, फार्म मैं आप ही तैयार कीता है, ते थानू पूरे फार्म दा विजिट कराना है। इंशाल्लाह वीडियो वेखसो ते वीडियो बहुत ही अच्छी बनने वाली आ। पूरी डिटेल इन्हां की खुराक आ, ये 3 महीनों बाद वच्छा यानी कि लैके आते हैं तो वह तैयार हो जाता है। इतना एक यानी कि उन खुराक पाते हैं, टीके टूके लाते हैं, तो तुसी वेखो वीडियो ते इंशाल्लाह थानू चस उसी वीडियो वेखण दी। चलते हैं वीडियो की तरफ। जनाब प्यारा फार्म बनाया ना, बड़ा खर्चा किया ना, चेक करते पे हो तुसी। ये वो बच्चे नहीं है नी जेड़े नवे आए ना, जेड़े उन्हों तैयार होए ना कुछ यानी कि काफ़ी अरसे, तो 2 महीने पहले दिन वो बरांडे दे विच नज़दीक तो भी खाने हैं, यानी कि ये भी उन्हें जेड़े छोटे छोटे आन ये यानी कि 2 महीने हो गए बच्चे ना इत्थे ले आए हो। ते सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इत्थे इन्हों का, है हूँ बाहर बन्न के थोड़े विखा देंगे। खुरली चेक करो, ये पानी वास्ते यानी कि ज़्यादा तो ज़्यादा 10 तो 12 एक जगह पर आते हैं, तो कैसे माशाल्लाह मैं कदम मार ही ना लवे। मजीद थो आए इधो गलत जा रहे हैं, इधर भी जाने बिचों गुजर के आए जंगले लगे हो ना, इन्हों अपने अपना सिस्टम बनया है। यह चेक कर कैसा प्यारा जानवर है माशाल्लाह, ए मेरे ख्याल मरता है, है मच्छर गया मैंने वेख के ना मस्ती करन लग पे। चेक करो, चेक कैसे कैसे प्यारे जानवर, यानी कि मजीद और थोड़े भी खाने वेखते पे इतने फिर पानी वाली खुरली आ। चेक करो कैसा सिस्टम है, बहुत प्यारा सिस्टम है। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत प्यारे जानवर न ये, यानी कि ना एक सब तो पहले जेडे विखाए नवे लैके आते हैं, उस तो बाद दे न फिर हूँ यानी कि प्रोजेक्ट वगैरह यहोजा सिस्टम है कि पहले वो सब तो पहले तैयार हो गए, वो निकल जाएंगे फिर यानी कि हर 3 महीनों बाद ये जाते न, 3 महीने खुराक इन्होंने दे भी दी है, 3 महीनों तो बाद यानी कि ये हर महीने ही कटते न, तो महीने का इन्हों का सिस्टम है। महीने तो बाद बच्चे नवे पा देंगे, दूसरे कट देंगे न। ऐ जनाब आलू तुसी वेखदे हो, गोदाम इन्होंने अपना जनाब आलूआं दा भरे होया है, ये भी बच्चे ने खवांदे ने और जगह ते भी रखे होया ना। ऐ वंडा है, 2-3 नस्ल दा वंडा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी इन्हां ने केड़ा केड़ा वंडा खवांदे हो बच्चियां नू? मैं तो पढ़िया पढ़ जावे नहीं, ये गोली वंडा खुराक वंडा यानी कि ये गोश्त भर वधदा है, ठीक हो गया। ए वेखते पे हो ए जनाब कितना, यानी कि पहले बड़ा खर्चा करना पौंदा है, ये काम शुरू है, मिस्त्री लगे हुए न, ते ए गोदाम इहदे विच वेख रहे हो बो इन्होंने स्टॉक कीता होया है, ए भी आलू पे है। अच्छा फार्म विच माशाल्लाह काफ़ी है, तुसी वच्छे वेखते पे हो, ये बच्चे सैलज वेख लो खा रहे न, ये बच्चे हूँ लैके आए न हो गए न मेरे ख्याल 5 तो 7 दिन हो गए फार्म दे विच। तुसी काम वेख रहे हो, ये माशाल्लाह फार्म मैं खुद तैयार किया है, तो मजीद वेखते पे हो फार्म और अगे खाइए इन्हां दी सैलज। सैलज दे वेखते पे हो 3-4 किस्म का इन्हें सैलज खवाते हैं,
ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸੈੱਲ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਦਰਖਤ ਸਫੈਦੇ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਨੂ ਫੈਕਟਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੂਸ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੂਸ ਦਾ ਸੈਲਜ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਲਾਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੋਂ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲਜ, ਕਾਫੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸੈਲਜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲਟੇ ਦਾ ਫੋਗ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਾਂ ਬਾ ਨਿੱਕੂ, ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੇਰੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈਲਜ ਆ? ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਚੁਆ ਕੇ ਛਾਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਜੀ ਮਕਈ ਦਾ ਸੈਲਜ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਮਕਈ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਣੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸੈਲਜ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸੈਲਜ ਹੁੰਦਾ? ਚਿਕੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੇਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੇਬ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੇਬ ਵੀ ਇਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਲਓ ਜੀ ਸੇਬ, ਚਿਕੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਬੜੇ ਲੂਡੇ ਲਾਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਵਿਖਿਆ ਵਿਖਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਾਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਸਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੀ ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ।